नई सरकार के गठन के बाद पहला सत्र बुलाया गया विधान सत्र, और यहाँ पर तमाम जो विधायक नवनियुक्त विधायक है वो शपथ लेने पहुंचे हैं। हमारे साथ बसपा से विधायक मनोज नांगली हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। सर पहले बहुत बधाई हो आपको शपथ की। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपके मीडिया बंधुओं का कि हमको यहाँ विधानसभा में पहुँचाने आपकी बहुत भागीदारी रही है। सर सबसे पहला सवाल, क्या विशेष मुद्दे रहने वाले हैं विकास को लेकर, क्योंकि आप बीएसपी से हैं और पार्टी है वो बीजेपी की या फिर पर नहीं है? देखिए, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस इस राजस्थान की परिपाटी रहे, उसके बीच में हम, ये दोनों ही तानाशाह लोग हैं, दोनों ही पार्टियां तानाशाही करती हैं। ये गरीब का, शोषित का, पीड़ित का, मजलूम का, दलित का, गरीब का, अल्पसंख्यक का कहीं सुनवाई नहीं करना चाहते। ये सिर्फ सरकार चलाते हैं, सरकार चलाते हैं तब लोगों की बातें गरीब और सामान्य की नहीं सुनते। उसके बीच में ये बहुजन समाज पार्टी के मैं एक नुमाइंदे के रूप में राजस्थान की सरकार के बीच, इस राजस्थान की आम आवाम की आवाज़ को जब जब भी दबले कुचलों के साथ अन्याय जुलम ज्यादती होंगे, हम निश्चित रूप से विधानसभा में रखेंगे। चर्चा है कि मनोज नांगली बीएसपी विधायक लगातार चर्चाओं में रहें अपने अकड़पन के लिए और अपने एक्शन मोड के लिए। देखिए, मेरा एक्शन मोड कोई ज़्यादा नहीं, मैं बहुत सरल आदमी हूँ। चर्चा में मैं इतना ही रहता हूँ कि मैं सच्चाई और ईमानदारी से लड़ना पड़ता हूँ और निश्चित रूप से लड़ता हूँ। चाहे विधानसभा में लड़ना पड़े, चाहे प्रशासन से लड़ना पड़े, चाहे जनता के बीच जाकर लड़ना पड़े, हम निश्चित रूप से डटकर लड़ते हैं। राजस्थानी भाषा को लेकर किया जा रहा था दावा कि राजस्थानी भाषा में शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी को दोबारा शपथ दिलाई। देखिए, राजस्थानी भाषा में शपथ दिलाना हमारे राजस्थान के लिए गौरव की बात है, होना चाहिए, लेकिन कानूनी और हमारे सदन ने जो व्यवस्था दी कि राजस्थानी भाषा में हम शपथ नहीं ले सकते और वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए नहीं ले सकते। लेकिन मैं मांग करता हूँ आज की सरकार से, जो डबल इंजन की सरकार की जो बात करते थे, वो डबल इंजन की सरकार है, और उनसे पहले दिन ही मांग करता हूँ कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाए, 8वीं अनुसूची में डाली जाए, और फिर हम शपथ लेंगे खुशियों से राजस्थानी भाषा। सर बजलाल शर्मा सीएम बना दिए गए हैं, लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं है। डबल इंजन की सरकार लगातार विकास कार्य के दावे कर रही है, कितना विकास मानते हैं कि राजस्थान में हो पाएगा बीजेपी सरकार? देखिए, मैं बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं विकास के मुद्दे को वहाँ विकास नहीं मानता। सड़क बन गई, विकास हो गया। मैं चाहता हूँ मानवता का और इंसानियता का विकास कब होगा? ये प्रशासनिक हलचल, जो धरातल पर जो लोग रहते हैं, गरीब सामान्य, उनका किसी भी ऑफिस में किसी भी प्रशासन के द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए, ऐसी कोई पारदर्शिता नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है सरकारों की। इसलिए मैं चाहता हूँ सबसे पहले गवर्नमेंट जो योजनाएं लागू करती है वो धरातल पर आम जन तक पहुँचे, वहाँ का प्रशासन आम जन की बात सुने। जब तक ऐसा नहीं होगा तो विकास कोई मायने नहीं रखता। मानव का विकास, इंसानियता का विकास धरातल पर नहीं है। ब्यूरोक्रेसी मनमर्जी करती है, जो चाहती है वो करती है, जो नहीं चाहती वो नहीं करती है, और भ्रष्टाचार के आलम में पूरा राजस्थान डूबा पड़ा है। एक सवाल आपसे ये भी था कि संतों का एंट्री हो चुकी है राजनीति में, चाहे बात बालकनाथ की कर लें, चाहे अम्बाल मुद्दाचार्य कर लें, कितना संतों को, संत अपने स्थान पर अच्छे लगते हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, ये राजस्थान की विधानसभा विचित्र वेशभूषा, विचित्र भाषा, हमारे राजस्थान प्रदेश एक प्रदेश होकर की भाषाएं भी अलग हैं, पहनावा भी अलग है, संत भी हैं, फकीर भी हैं, सब लोग इस प्रदेश में रह रहे हैं, और अगर उस विधानसभा में सबकी थोड़ी थोड़ी भागीदारी हो जाए तो हर चीज का अनुभव हमें राजस्थान की विधानसभा में मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे श्रीमान ये भी था कि क्या विकास के विशेष मुद्दे रहने वाले हैं जिन पे आप फोकस करेंगे, अपने क्षेत्र की विकास करके बात कर लें चाहे प्रदेश की बात कर लें? अभी ये प्रदेश की सरकारें लच्चर रही हैं 70 साल में, अभी तक इस राजस्थान प्रदेश की जनता को दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, बिजली और पानी, ये भी राजस्थान की सरकारें इस राजस्थान की जनता को अब तक नहीं दिला पाई है। स्वास्थ्य की हालात, चिरंजीवी योजना चलाई गहलोत साहब ने, अच्छी थी, लेकिन उसकी धरातल पर क्या हालात हो गई ये आप अच्छी तरीके से समझते हैं। बड़े अस्पताल में कोई व्यक्ति चिरंजीवी योजना में इलाज नहीं करा पा रहा है। तो ये थे हमारे साथ बीएसपी विधायक मनोज नांगली, जिन्होंने साफ कहा है कि चिरंजीवी योजना की बात करें, पेयजल समस्या की बात करें, बिजली पानी की बात करें, तो कहीं ना कहीं इनका फोकस जो है सरकार को लेकर, जो प्रदेश में जो समस्या है उनको लेकर आएगा, और सरकार जो है लगातार दावे कर रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी और बीएसपी दोनों विपक्ष की पार्टियां हैं, एक दूसरे के विपक्ष में है, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष में अपना विपक्ष मजबूती निभाएंगे, ऐसा इनका कहना है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ संदीप अग्रवाल, नगरी मीडिया, जयपुर।